Welcome to Happy Cooking. अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि बड़ी ईद के हिसाब से आपके लिए कोई मज़ेदार सी डिश लेकर आऊँ, तो इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ तवा चीज़ बोटी। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है जो कि 300 ग्राम था। उसके साथ लेमन जूस, कचरी पाउडर एंड अदरक लहसुन का पेस्ट। बोटियाँ मैंने साइज की कर ली थी, आप देख लें। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून कचरी पाउडर, आप पपीता भी मिला सकते हैं, और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, जो कि है ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड सॉल्ट 1/2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी सॉल्ट को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। योगर्ट यानी दही मैंने ले लिया है 1/2 कप और हरी चटनी 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इस पे मैं अपना सारा बोटियों का मसाला डाल दूंगी। ऐड करूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और 5 मिनट में इसको तेज आंच पे पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकाऊं। अब मैं इसको हाई फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाऊं। 5 मिनट के बाद ये हमारी बोटियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस पे मैं लगाऊंगी कोयले की धूनी। कवर कर दूंगी 3 से 4 मिनट तक के लिए। कोयला रिमूव कर दूंगी और इस पे अब मैं चेडर चीज स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरीके से, और फ्लेम को ऑफ करके अब मैं इसको ढक दूंगी यहाँ तक कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखें हमारी मज़ेदार सी तवा चीज़ बोटी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये डिश कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।